लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और गणेशोत्सव के बाद कोंकण क्षेत्र से नई मुंबई लौटने वालों की कोरोना स्क्रीनिंग कराने और जरूरी इंतजाम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से नई मुंबई में कोरोना फैल सकता है। वहीं उन्होंने होर्डिंग और हॉकर पॉलिसी को उलझाए रखने पर भी सवाल उठाया। साथ ही नई मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों को महानगर पालिका को हैंडओवर कराने का भी सुझाव दिया। इस दौरान निवर्तमान महापौर जयवंत सुतार, सुधाकर सोनाव ने, डॉक्टर जयाजीनाथ और दशरथ भगत समेत कई नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। कोंकण से आने वाले प्रवासियों की कोविड स्क्रीनिंग तेज करो। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर से अपनी 50वीं साप्ताहिक मुलाकात में नई मुंबई के कई ज्वलंत मुद्दों के समाधान पर चर्चा की। उनका सबसे अधिक जोर गणेशोत्सव के बाद कोंकण क्षेत्र से नई मुंबई लौटने वालों पर रहा। उन्होंने कहा कि नई मुंबई में फिलहाल कोरोना सिंगल डिजिट में आ गया है। ऐसे में कोंकण क्षेत्र से आने वाले बाहरी लोगों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए ऐसे लोगों की कोविड स्क्रीनिंग तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आवश्यक इंतजामों को पूरा करने पर भी जोर दिया। इस दौरान निवर्तमान महापौर जयवंत सुतार, सुधाकर सोनाव ने, डॉक्टर जयाजीनाथ और दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। अभी आज 2021 है, इस कालखंड में दो लहर तो आके गई, तीसरी लहर की घंटी बजने वाले ऐसे लोग बोल रहे हैं। मुंबई और शहरी इलाके से बहुत सारे लोग अपने गांव, यानी कोंकण हो, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, यूपी, साउथ, नॉर्थ, सभी इधर गए हैं। अभी उनका वापसी आना शुरू हो जाएगा। मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त ने भी बोला है कि भाई आने वाले 15 दिन तो बहुत यानी धोखादायक है, इस कालखंड में बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। माननीय आयुक्त श्री बांगर साहब से हमने कहा है कि अभी बाहर से लोग 1.5 दिन के गणपति थे, 5 दिन के थे, 7 दिन के थे, अभी 10 दिन के भी गणपति, उनका कालखंड खत्म हुआ, अभी लोग आना शुरू हुआ है। बीच में जो 1 डिजिट यानी 7-9 तक फिगर नीचे उतरी थी, अभी वो फिर से 2 डिजिट हो गए, 17, 18, 19, 20 भी होने के एक एक इलाके में। तो वो सब बात देखते हुए अभी इमीडिएटली टेस्टिंग बढ़ाओ, जिसके जरिए वहाँ पे जो बढ़ने वाली जो कोविड की संख्या है उसके लिए उपचार करना अपने को ठीक रहेगा। तीसरी लहर आई नहीं, फिर भी डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, दवा पानी, यंत्रणा तैयार उन्होंने की है, फिर भी उनको रिमाइंडर, उनको याद देना मेरा फर्ज था, मैंने दिया। वाशी शिवाजी चौक पर बैठने की मांगी अनुमति। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि नई मुंबई में नागरिक समस्याओं और फेरी वालों की तमाम मुश्किलें हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा। होर्डिंग और हॉकर्स पॉलिसी को लागू करने की बजाय बरसों से उलझाए रखने पर भी गणेश नाइक ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज तक यह पॉलिसी ठंडे बस्ते में पड़ी है, जिससे फेरी वाले मुसीबत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मसलों और समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर बैठने की परमिशन मांगी है, जहां 111 वार्डों के प्रतिनिधि अपने मुद्दों को रख सकेंगे। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने यहाँ सिडको द्वारा थाने रूट पर निर्मित नई मुंबई के रेलवे स्टेशनों के हस्तांतरण का भी सुझाव दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैंने आयुक्त महोदय को कोविड के बारे में तो बोला है, पानी के बारे में बोला है, फेरी वाले हैं, बाद में वासी का हॉस्पिटल, नेहरू का हॉस्पिटल, आयोली का हॉस्पिटल, जिसके जरिए लोगों की जो भी समस्या उभर आती है उसको रास्ता निकलना चाहिए। कि हर वार्ड के कार्यकर्ताओं को मैंने बोला है कि तुम्हारे वार्ड के जो समस्या महापालिका से कनेक्टेड है, सिडको से है, MRDC है, MACB, अन्न पुरवठा, PWD, MSRDC, ये सबको आप लोग पत्र लिखो, उसी कॉपी मुझे दो। मैंने कल DCP
श्री मेंगड़े साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने उनको बोला है कि जल्दी मैं एक परमिशन आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे वासी के शिवाजी चौक में सुबह 9 से लेकर शाम को 5 तक बैठना है। स्लोगन रहेगी, शाउटिंग, न फटाका, न कुछ तो कुछ रहेगा। 111 वार्ड के लोग उधर आएंगे, शुरू में नज़दीक के लोग आएंगे, दोपहर के टाइम में पूरे स्कड़ के सीबीडी से लेके दीघा तक के लोग, और बीच में आहिस्ता आहिस्ता 5 बजे तक दो चौक के दो हिस्से हैं, उधर लोग इधर बैठेंगे उधर आते रहेंगे, और बोर्ड तो लेके आएंगे। हमें इस बात का स्टंटबाजी नहीं करना, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला तो मास्क तो है ही है, मास्क तो हम हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लोगों ने काम नहीं किया वो लोगों की निर्भरता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।